वराह घाट पर पैर फिसलने से उत्तर प्रदेश जिला हापुड़ की एक वृद्ध महिला स्नान करने घाट पर पहुंची, लेकिन पैर फिसलने से गिर गई। गिरने से वृद्धा के सिर में गंभीर चोट लगने से खून बहने लगा, लेकिन उसी दौरान यात्रियों की सुरक्षा के लिए घाटों पर तैनात सिविल डिफेंस टीम की सुमित्रा चौहान और SDRF की गार्ड सुमिता ने महिला को संभालते हुए सिर में कपड़ा बांधा और उसे घाट से ऊपर लेकर पहुंचे। इसके बाद सिविल डिफेंस ने एम्बुलेंस को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही 108 बाइक एम्बुलेंस मौके पर पहुंची, लेकिन वृद्धा के सिर में बड़ा घाव होने और खून बहने के कारण वृद्धा को किशन गोपाल जाट और सुनील उपाध्याय ने बिना देर किए अपने स्कूटर पर बिठाए और अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां वृद्धा का उपचार जारी है। इसी तरह गौघाट पर एक 4 वर्षीय बच्चे हिमांशु का भी पैर फिसलने से उसके सिर में चोट आई है। सिविल डिफेंस के राकेश, पूनम व SDRF के अशोक ने महिला के सिर पर पट्टी बांधी और उसे हॉस्पिटल लेकर पहुंचे। इस बुजुर्ग महिला और बच्चे के साथ आए लोगों ने पुष्कर सरोवर पर तत्काल मेडिकल सहायता मिलने पर टीम का आभार व्यक्त किया। घाटों पर आज एक वराह घाट पर एक महिला यात्री थी शशि प्रभा, उत्तर प्रदेश की रहने वाली, उसके गिरने से सिर में गंभीर चोट आई है। तो हमारे जो सिविल डिफेंस की वॉलेंटियर है सुमित्रा चौहान एंड SDRF की जो सुनीता है, उन्होंने मेरे को कॉल किया और 108 को कॉल किया। बाइक 108 भी आई वहाँ पे, लेकिन गंभीर चोट होने की वजह से उसका उपचार वहाँ संभव नहीं था। तो मैं अपने स्कूटर पे बिठा के सुनील की सहायता से, सुनील उपाध्याय उनकी सहायता से, हम हॉस्पिटल लेकर पहुँचे, जहाँ पे उसके सिर में करीब 4-5 टाँके आए हैं। और इसी तरह सुबह करीब 10-12 साल का लड़का था हिमांशु, अजमेर का रहने वाला, तो उसके भी सिर में चोट आई है। तो वहाँ पे हमारे जो वॉलेंटियर है पूनम और राकेश और साथ में SDRF के अशोक जी, उन्होंने उसको संभाल के वहाँ पे पट्टी वगैरह की, लेकिन अभी हॉस्पिटल भिजवाया है, वहाँ पे भी उसके क्या कि 1 या 2 टाँके आएंगे। तो हमारी जो टीम है वो पूरी मुस्तैदी से वहाँ पे काम कर रही है, इसलिए हमने लोगों को आज 4-5 को तो वैसे बचाया, गिरने से बचाया, डूबने से बचाया, लेकिन 2 यात्रियों के सिर में चोट आई है जिनके अभी टाँके लगे हैं। आज इस घाट पे कौन सी घटना घटित हुई है? मेरी वराह घाट पे ड्यूटी है, वहाँ पे ऐसी कांजी हो रही है, उस वजह से लोग आ रहे हैं और फिसल रहे हैं। ऐसे 7-8 लोग ऐसे फिसल चुके हैं, उनको मैंने बचा लिया है। उनकी एक आंटी है जो गिर गई थी, उनकी गंभीर चोट आई है, तो उनको हमारे डिपार्टमेंट में फ़ोन करके किशन गोपाल जाट को, वो 2 मिनट के अंदर आ गए थे तुरंत ही, और उनके साथ सुनील उपाध्याय भी आए और उनके फर्स्ट एड देख कर उनको एम्बुलेंस की सहायता से हॉस्पिटल ले गए और उनको प्राथमिक उपचार किया।